All right, are you ready? Yes. आप सब तैयार हो? So, we've been having two wonderful days. और जबकि हमारे दो अद्भुत दिन बीते हैं. Ah, listening to God's word. परमेश्वर के वचनों को सुनते हुए. And the testimonies of missionaries, of so those who have given their lives for the cause of God's kingdom. और मिशनरियों की जो गवाहियाँ उनके बारे में हमने सुना, वे लोग जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से दे दिया था परमेश्वर के राज्य के लिए.

और चाहे जो भी हमारे सामने रखा हुआ है हमने परमेश्वर के उद्देश्य को समझना है जानना है और पूरा ध्यान रखना है सावधानी बरतना है कि हमारे जीवन के बाकी दिन जो है परमेश्वर के मकसदों को पूरा करने में बीतेस्टैंड प्लेस ऑफ नोविंग दर्पस और अब सच में हम चाहते कि हम पर आ जाए उस समझ को पा सके कि परमेश्वर के उद्देश्य को हम जान सकें

और शास्त्र बहुत ही साफ रीति से बताता है कि परमेश्वर हमारे लिए प्रकट करता है सो ही टू रिवील और वो आपके लिए उसकी योजना और उद्देश्य को प्रकट करने के लिए तैयार से भी बढ़कर है हाउ डू बी अंडरस्टैंड हाउ डू भी डिस्कवर तो हम इसे कैसे समझ सकते इसे कैसे खोज सकते जान सकते हैं सो वी आर थोकिंग अबाउट नाइन साइन फोर्स

और वहां पर आपको एक दुकान दिखेगा <laughs> और उस दुकान का नाम ये होगा right store, और फिर उस दुकान के पास से आप दाहिनी ओर मुड़ अ साइन बोर्ड और वहां पर आपको एक चिन्ह का एक दिशा देने वाला बोर्ड दिखेगा और वहां पर आप मुड़ना है so और फिर आगे तो so so हम उन चिन्हों को ढूंढते रहते हैं और फिर हमें पता था क्या करना है सो सिमिलरली इन द स्पिरिचुअल और उसी तरह से आत्मिक क्षेत्र में भी दैट गॉड पुट्स हिज साइन पोस्ट इन आवर लाइफ्स जर्नी कि परमेश्वर हमारी जीवन यात्रा में उन जो चिन्ह के बोर्ड को लगा देता है। लेकिन हमने उन चिन्ह को पहचानना है Others, नहीं तो हम सिर्फ कहीं ना कहीं निकलते जाते रहे we'll और जो चिन्ह दिया गया है हम उसे नजर भटका भटका सकते हैं so verse, प्रावर्ण प्रावर्ण 4, 18. और इस वचन से शुरुआत करें हम नीति वचन का चौथा अध्याय और अठारवा वचन चैप्टर वचन का चौथा अध्याय और वचन. द जस्ट इज लाइक the perfect डे परंतु धर्मियों की चाल उसकी चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है सो इज लाइक द सन और वह कह रहा है कि हमारा जो मार्ग है वो सूरज की समान है मॉर्निंग so तो सुबह में अराउंड, अराउंड आई डोंट नो, और शायद सुबह पांच बजे, यू कैन सी लिटिल बिट आपको थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है नॉट वेरी क्लियरली लेकिन साफ रीति से नहीं Then as the sun rises, और फिर जैसे सूरज उगता है get brighter, और चीजें और प्रकाशमान होती है एन एट day, और फिर दोपहर के समय में clear. सब कुछ साफ साफ दिखाई देता Not है right और परछाई भी नहीं होती क्योंकि आपके ऊपर होता है सूरज so, saying, like that. और यहाँ पर जो लेखक कह रहा है हमारे मार्ग जो है इस तरह से होते हैं इट गेट्स ब्राइटर एंड ब्राइटर और वे चमकते जाते हैं और अधिक चमकते जाते हैं like और जब तक वो दोपहर की चमक की तरह न बन जाए

और बीच जो परमेश्वर हमारे जीवनों में डालता है जो हमारे भविष्य के बारे में उस चिन्ह के रूप में दिखाते हैं एग्जाम्पल थर्टीन ईयर्स और उदाहरण के लिए जो यूसुफ जो तेरह साल का था उसे एक स्वप्न दिखाई दिया द ड्रीम वॉस ए सी गॉड प्लांटेड इन और वो एक स्वप्न एक बीच की तरह जो परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में बोया Amen? Amen. So,

What what stirs stirs you may not be the same as somebody. जिस विषय को लेकर आपके हृदय में हलचल होता है वही विषय को लेकर किसी और के के में नहीं होगा। उदाहरण लिए। और वे इतर यहूदी लोगों के साथ में वो एक तरह से बंदी बनाकर चला गया दूसरे देश में था ऑल of Jerusalem इन टू कैप्टिविटी और सभी लोगों को जो बंदी बनाकर ले जाया गया था वे सब जानते थे कि यरूशलेम का जो नगर था वो पूरी तरह से उसका नाश हो गया था They knew that the walls had been destroyed. और वे जानते थे कि उसकी दीवार जो है वो गिरा दिए गए थे लेकिन इसका उन पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ बट फॉर नियम आया लेकिन नियम आया के लिए वेन ही he और जब उसने सुना कि जो शहर की जो दीवारें हैं वो गिर चुकी है इट एफेक्टेड हिम सो मच और इससे उस पर इतना गहरा असर हुआ वो खा नहीं पाया, खाने। वो पी पाया कुछ। और उसके चेहरे का जो प्रकाश वो पूरी तरह से उदास हो गया the, the वो राजा के लिए काम कर था। him, रहा था और राजा उससे पूछ रहा था क्या हुआ अफेक्टिंग यू तुझ पर कौन सी बात असर कर रही है

कौन सी बातों का असर आपके हृदय पर होता है और कौन सी बात कौन, बा, कौन सी बात से आपके हृदय में हलचल होता है और ये कोई भी बात हो सकती शायद आप एक बेघर बच्चों को देखकर आपके हृदय पर गहरा असर कर जाता है मे बी यूर अफेक्टेड बाय सीइंग बाई सी समस्टिस इन योर कम्युनि और शायद आप जो है आपके समाज में किसी प्रकार के अन्याय को होते हुए कुछ इस बात के बारे में आप उत्साहित होते हो की आप एक व्यवसाय शुरुआत करने के बारे में बहुत उत्साहित होते हो बिजनेस और आप सुबह उठते हो ये सपना देखते हुए शुरू करना चाहता हूँ Thinking about starting a business. और जब आप सोने के लिए जाते हो आप व्यवसाय शुरू करने के बारे में ही सोचते हो सो रहे होट ग्रिप्स यू और वही बात आपको पकड़ लेता है so तो ध्यान कि कौन सी बातें आपके हृदय को उत्तेजित करती है हलचल करती है आपको समझ में आ रहा है heart, क्योंकि वो जो आपके हृदय में हलचल हो रहा है इट्स गॉड इज डूइंग ये कुछ परमेश्वर आपके अंदर कर रहा है मोसिस मूसा यूज है गुड लाइफ वो अपना अच्छा जीवन बिता रहा था he had been adopted by Pharaoh's daughter. और फिर की जो बेटी ने उसे गोद ले लिया था

लेकिन कुछ बात ने उसके हृदय में हलचल की समोज टू दगभग चालीस की उम्र के करीब नाउ प्लीज डोंट वेट टिल योर फोर्टी तो अब ये सुनकर कृपया चालीस साल की उम्र तक बनने का इंतजार न करें

परमेश्वर उसके हृदय में हलचल कर रहे थे आई यू अंडरस्टैंड क्या आपको समझ में आ रहा है आ रहा है ना आ रहा है कुछ तो बोलिए इट्स कमिंग राइट द अंडरस्टैंडिंग इज कमिंग समझ आ रहा है भीतर भीतरियस नाउ खेम इंट इज हम और वो उसके हृदय में आ गई गॉड स्टरिंग हिम में हलचल कर रहे थे क्या मूसा ने ऐसा कहा? शैतान दूर हो मुझसे। और ऐसा करता तो शायद उसके बाद वो अगला फिरोन बन जाता you हम नहीं रीडिंग हम उसके बारे में शास्त्र में नहीं पढ़े होते But लेकिन he took the step. उसने कदम बढ़ाया टू फॉलो वॉस्टर्निंग जो बात उसके हृदय में हलचल कर रही थी उसके अनुसार करने के लिए टू बीवर फॉर की वो उसके लोगों के लिए छुड़ाने वाला बन सके the, uh, the, the, the और उसने जो मिस्र देश का सभी जो धन है जो पद है वो सभी चीजों को उसने छोड़ दिया टू फॉलो वॉस्टर और उसका पीछा करने के लिए जो बात उसके हृदय में हलचल कर रही थी और फिर 40 साल बाद saw the bush. उसने जलती हुई झाड़ी को देखा वेटिंग फॉर बर्निंग बुश और हम में से कुछ लोग जो जलती हुई झाड़ी का इंतजार कर रहे हैं और शायद वो होगा हो जब आप इस 80 साल के हो जाओगे राइट right नाउ God is stirring your heart. अब इसी वक्त इस समय परमेश्वर आपके हृदय में हलचल कर रहे हैं Don't wait for the burning bush. अब जलती हुई झाड़ी का इंतजार में न रहें। God is stirring you in your spirit. परमेश्वर आपकी आत्मा में अभी हलचल कर रहा This है This is what I want you to do. और मैं चाहता हूँ कि तू ये कर This is what I want you to pursue. मैं चाहता हूँ कि तू इसका पीछा कर Take one step of faith. और विश्वास का एक कदम बढ़ा Begin to move. और हिलने लग

परमेश्वर ने हम सबको अनुग्रह दिया है और उसने वरदान दिए हैं और परमेश्वर का वरदान आपके जीवन पर जो अनुग्रह है उसके साथ जुड़ा हुआ है the gifts and the grace of God go और जो वरदान और परमेश्वर का अनुग्रह एक साथ मिलकर चलते हैं रिजन यू है और आपके जीवन में वो वरदान है इसका कारण इसलिए कि परमेश्वर ने आपको अनुग्रह के द्वारा वो वरदान दिया है और और जो जो आपके जीवन में वरदान अनुग्रह है वो एक चिन्ह दर्शाते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन के लिए क्या कौन सा है Amen. Amen. So, grace तो आपके जीवन पर जो अनुग्रह है उसे जाने उसकी खोज करे गॉड कैन बी सीन और परमेश्वर का अनुग्रह को देखा जा सकता है और इसलिए मैं लोगों की ओर देखता हूँ और उनकी ओर देखता हूँ like, wow, और मैं, मैं कहता हूँ उनके पास पर ये अनुग्रह है Area of grace on their lives. और अधिकतर ऐसा होता है कि लोगों के जीवनों पर एक क्षेत्र से बढ़कर दो क्षेत्रों पर, पर अनुग्रह होता है Just by looking, you can see. सिर्फ देखने के द्वारा हम पहचान पाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है उसके और इसके जीवन पर और इन उन्होंने अनुग्रह के उस क्षेत्र में बढ़ना जरूरी है तब वे बहुत ही फलदायी हो गए

क्यूँकी वो परिस्थितियों का इस्तेमाल करके वो हम आक्रमण कर सकता है और हमें फंसा सकता है और कभी कभी लोगों के द्वारा स्थितियाँ खड़ी हो जाती है क्योंकि वे हमारे विरोध में कुछ करते हैं परखना है लेकिन कुछ परिस्थितियाँ बाय इन याइफ वे परमेश्वर द्वारा रचाए गए होते आपके जीवन में और और हमने उसे पहचानना है। और फिर उस पे कदम बढ़ाना है Amen? Amen. So और कितना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के साथ रहकर चले और कल हमने स्तर के बारे में सुना। परमेश्वर ने कुछ स्थितियों को वहां पर रचाया फर्स्ट ऑफ ऑल ही हर और सबसे पहले परमेश्वर ने उसके जीवन पर सुंदरता से उसे अनुग्रहित किया और अनुग्रह था decide, like this, a... और उसने ऐसा तय नहीं किया कि मैं अपने आप को सुंदर बनाऊंगी no, ना इट ग्रेस ऑफ गॉड यह परमेश्वर का अनुग्रह था उस पर फिर परमेश्वर ने उसकी जीवन में परिस्थितियों को रचाया शिव

और जब मोर देखा है, उसे चुनौती देता है एस्टर वेक और एस्टर जाग और उठ। दिस थिंग हैज बीन बाय गॉड। जो हो रहा है इसे परमेश्वर द्वारा रचाया गया है सी द हैंड ऑफ गॉड देखो परमेश्वर के हाथ को इन लाइफ जो है तुम्हारे जीवन में घटी उसमें एंड अप टू तुम्हारे अलौकिक उद्देश्य के लिए उठ खड़ी हो जाओ

और हमें उस पे कदम बढ़ाना है you know and when i look back it's it's just amazing how how god orchestrates so many things और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि कितना आश्चर्यचकित होता हूँ सोच कर कि परमेश्वर ने किस तरह से कितनी सारे बातों को रचाया है और उसे स्थित किया है But when you recognize it, you can step into it. जब आप उसे पहचान लोगे आप उसमें कदम बढ़ा सकोगे With confidence, पूरे भरोसे के साथ God has done this. परमेश्वर ने इसे किया है तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में और स्थितियों में काम कर रहा होता है नंबर सिक्स छठवीं बात रिक्नाइज द लीडिंग ऑफ गॉड परमेश्वर की आत्मा की जो अगुवाई है उसे पहचानो बाइबल शास्त्र से कहता है रोमन चैप्टर एट फोर्टीन एंड ऑल्सोर्स रोबियो का आठवा अध्याय चौदह वचन और सोलवा वचन बस फोर्टीन चौदह वचन एज मेनी एज बाई दिट ऑफ गॉड देवर की आत्मा के द्वारा अगुवाई पाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र है सो दॉडलेज ऑफ बींग परमेश्वर की जो बेटे और बेटिया है उनका सौभाग्य है कि वो आत्मा के द्वारा अगुवाई पाते हैं Do you understand that? आपको समझ में आ रहा है? So let's say this together. हम एक साथ कहें इस बात को। I'm a child of God. मैं परमेश्वर का संतान हूँ। And I am led by the Spirit of God. और मेरी अगवाई पवित्र आत्मा द्वारा होती है। As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. और जितने ज्यादा पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई पाते हैं वे परमेश्वर के संतान है पुत्र है नाते, नाते पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है Now how does he lead you? तो आपकी अगुवाई कैसे करता है इमेजिन एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कल्पना पास्टर और मेरी अगुवाई कर रहे हैं बस सो आई एम वॉकिंग और वे चल रहे हैं

The Spirit bears witness with our spirit. पवित्र आत्मा आकर हमारी आत्मा के साथ में गवाही देता है That's the connection. और यही जोड़ है That's where he leads you. और यहाँ पर वो अगवाई करता है By speaking to your spirit. वो हमारी आपकी आत्मा से बात करके To bear witness means to testify. और जो गवाही देने का मतलब है कि वो एक तरह से साक्षी दे रहा है वहाँ पर। speak. बोलना।

और हमारे अंदर एक एक तरह से एक बेचैनी आती है uh, जो आप एक एक निर्णय लेने वाले उसके बारे में आपको आराम महसूस नहीं होता है और कभी कभी शांति होती है Joy. आनंद होता है like और वो ये सब हरी बत्ती की तरह है ट्रैफिक की। और यदि आपको आरामदायक महसूस नहीं हो रहा है आपको एक तरह से आपकी शांति खोई हुई लग रही है like वो लाल बत्ती के जैसे हैं।

अपनी आत्मा से सुने the Holy is क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा होता है there he is you. वहां पर वो वहां आपकी कर रहा होता है led by the आप आत्मा द्वारा और एक ये हो सकता है कि अपने आप को शांत करें all the other और जो इतर सभी जो आवाजें आ रही हैं उन सबको शांत कर दें अपने मन को शांत करें। और कि पवित्र आत्मा मुझे एक निर्णय लेने की जरूरत है। कृपया मुझे बता दे प्रभु। और मैं सच में आपको प्रोत्साहित करूं कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और शांत रीति से अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और अपनी आत्मा में सुनें। और वो आपसे बात करेगा और और शायद शायद उस कोई वचन को को कर देगा। Maybe he'll a sense of joy या या आपके अंदर एक आनंद शांति ले आएगा। no. आपसे कहेगा ना बट यू लेस लेकिन आप सुनो इनपीट अपनी आत्मा में so that was number, what, और ये था छठवा

और ऐसे जो परिपक्व व्यक्ति के पास जाए जो सुनकर आपके सर पर एक टपली दे दे right? But get Godly counsel. लेकिन परमेश्वर अनुसार सलाह ऑफ गॉड और ऐसे लोग जो परिपक्व है जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के तरीकों को जानते हैं उन्हें आपके जीवनों में बात करने दें और आपको मार्गदर्शन देने दें। परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर सकता है

is that the time he should be thinking about putting his pro profile on shaadi.com क्या वो समय ऐसा हो है उसके लिए कि उसने शादी.com पर अपनी जो प्रोफाइल बायोडाटा डालनी चाहिए शादी के लिए Dad comes and us son what are you doing और पिताजी आते हैं कहते बेटा क्या कर रहा है तू I'm preparing my profile वो कह रहा है कि मैं मेरी प्रोफाइल तैयारी कर रहा हूँ शादी के लिए in 12th standard अभी 12वीं में है उट ऑफ सीजन और वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उस मौसम में नहीं है वो काम कर रहा है, मौसम काम कर रहा है भाई. और वो मौसम नहीं है उसके लिए की उसने शादी के बारे में चिंता करना है जो तुमने करना चाहिए उस मौसम के लिए वही क्या करो वेरी सिंपल बहुत ही सरल है And follow God in each season of your life. और आपके जीवन के हर एक मौसम में परमेश्वर के पीछे चलते रहो। Now, what of life in. और पहचान लो कि आप जीवन के कौन से मौसम में हो। और उस मौसम में उस उद्देश्यों को पूरा करो for change. और जैसे आप देखते हो कि मौसम बदलने वाला है तो आप भी बदलाव के लिए तैयारी करो You can look ahead, आप आगे की ओर देख सकते हो आप कदम बढ़ाने वाले कार्य करने वाले क्योंकि परमेश्वर समय और मौसम अनुसार काम करता है are you understanding? आपको समझ में आ रहा है

और नौवीं बात अंतिम बात इज दैट रिकग्नाइज गॉड्स पैटर्न ऑफ वर्किंग इन योर लाइफ और परमेश्वर का आपके जीवन में काम करी करने का जो तरीका है उस पद्धति को समझे दैट मीन इन ईच ऑफ आर लाइफ देस अ सर्टेन वे इन विच गॉड वर्क्स इसका मतलब है कि हमारे के जीवन में एक तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर काम करता है रेकग्नाइज उस उसे पहचान ले एंड इफ यू कैन रेकग्नाइज गॉड्स परमेश्वर के काम करने के तरीके को पहचान लोगे तो आप देखोगे को, को दोहरा रहा है एग्जाम्पल उदाहरण ग्रह मे बी एनी टाइम यू हैव टू मेजर डिसीजन इन योर लाइफ गॉड सेंसमे और शायद आपके जीवन में कई किसी भी वक्त जब आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो तब परमेश्वर किसी को भेजता है और और वे सिर्फ आकर बोलते हैं हैं एक एक सरल सा शब्द या एक, एक सोच बांटते उससे आपको मदद मिलती है निर्णय लेने के लिए तब आप पहचानते हो hey, आप पहचानते हो परमेश्वर ने एक बार ऐसे काम किया दूसरी बार काम किया तीसरी बार काम किया और तरीका बन गया आपके जीवन में काम करने का सो तो आप परमेश्वर के काम करने के तरीके को पहचानने लगते that गॉड Always uses me to start things. और मेरे जीवन के लिए उदाहरण के लिए मैंने पहचाना है कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करते हैं कुछ कार्यों को शुरू करने के लिए so और मैंने स्कूल के दिनों में इस बात को पहचान लिया ओन स्कूल और क्योंकि मैंने मेरे अपने स्कूल में कुछ शुरुआत किया आई uh,

कार्यों को शुरू किया कार्यो को शुरू किया परमेश्वर का काम करने का जो तरीका आपके जीवन में उस तरीके को आपने पहचानना है कौन सी है First, पहला God's word. परमेश्वर का वचन Second, दूसरा the seeds in your life, आपके जीवनों में जो बीज है Third, the stirring within, और तीसरा आपके भीतर हलचल. Fourth, the grace चौथा परमेश्वर का अनुग्रह और पांचवा आपके जीवनों में परिस्थितियां और छठवा है जो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई सेवन

और वहां पर हम कुछ करने वाले हैं। I'm gonna, uh, just us about these nine और मैं इन नौ के बारे में आपको याद बैठे होनी थी और मैं चाहूंगा कि उन नौ क्षेत्रों में से आपको कोई भी एक बात आपको लग रहा है तो आप अपने यहाँ पर, पर कागज लिख लें okay. ठीक and है then,

और फिर आप अपने जीवन के लिए उसकी उद्देश्य को के बारे में समझ पाने लगोगे yeah. the, the और आपके जीवन के बाकी दिनों में जो जो भी कुछ वो चाहता है कि आपने करना है Are you ready? आप तैयार हो थिंग्स so, तो, तो कल सुबह आपने तीन चीजों को लेकर आना है Pen? Pen ले है। पेपर कागज लाना है And good sleep. और, good, good sleep. और अच्छी नींद लेकर आना है

और परमेश्वर का उसके उद्देश्य और और उसकी योजनाओं को हमारे सामने खुला करना की, की जो बात है वो थोड़ा थोड़ा करके होता है और वह ऐसा नहीं कहेगा कि ये पूरी तरह से शुरुआत से अंत तक उसने बता दिया आपको कि किताब पढ़ लो सब कुछ पता चल जाएगा यो बे गॉड आप परमेश्वर का पालन करते हैं There's an interesting verse in Hebrews chapter 11. इब्रानियों की 11वीं अध्याय में एक दिलचस्प वचन है। I think it's verse 11. Let me just get the exact verse. It talks about Abraham. यहां पे इब्राहिम के बारे में कहा गया है। Oh Hebrews 11 verse 8. और इब्रानियों के 11वीं अध्याय 8वां वचन। Hebrews 11, 8. इब्रानियों के 11वां अध्याय 8वां वचन गॉड कॉल्ड अब्राहम वो कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया एंड ही अब्राहम

All right. <laughs> But Abraham, लेकिन अब्रह के लिए is by faith, विश्वास से ही निकल गया बाहर लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कहां जा रहा है पर न्यू समथिंग लेकिन वो कुछ जानता था गॉड टोल रेम गैरअ परमेश्वर ने उससे कहा था कि उठ एंड गो और जा एंड आई विल गिव यू और मैं तुम्हें दूंगा That much he knew. इतना वो जानता था

डायरेक्शन गॉड वॉन्ट्स मी टू गो और मुझे महसूस हो रहा है कि ये दिशा में इस दिशा में परमेश्वर चाहता है कि मैंने जाना है And as I'm going, और जैसे मैं जा रहा हूँ वो और स्पष्ट होता जाएगा But God has promised, और जो परमेश्वर ने वादा किया This is है, what he will do with my life. और यही मेरे जीवन के द्वारा वो करने वाला है आपको समझ में में आ रहा है? है। तो विश्वास चलना जरूरी और अब इस विश्वास की यात्रा में दो महत्वपूर्ण the Bible. और हमने शास्त्र में कितनी सारी गवाहियों के द्वारा हमने इसे सुना है call. और परमेश्वर हमारे हमें तैयार करेगा उस बुलावे के लिए He will us for his और परमेश्वर हमें तैयार करेगा तैयारी करेगा उसके उद्देश्यों के लिए We saw this so in life. और हमने की जीवन में सुंदर रीति से देखा यंग so एज तो एक एक नव, एक छोटे एक जवान उम्र में the came and him. और वो नबी आया और उसने उसे अभिषिक्त किया दैट वॉज ए सीड और वो एक बीज था

और जैसे पास शेखर ने भी कहा कि हमारे बीच में कि जैसे वो अपनी सामान्य बात काम कर रहा था साधारण गॉड वॉज प्रिपेरिंग हिम फॉर हिस्स डेस्टिनी परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था उसके भविष्य के लिए लायन एंड द बेर उसने सिंह और जो भालू है उसे मार डाला बाली वॉज टेकिंग केयर ऑफ द शिप जब वो उन भेड़ों की देखभाल कर रहा था बट बिकॉज ही किल द लाइन दी कैट गो फेस को लाइन और वो क्योंकि उसने सियो और भालू को मार पाया इसलिए जाकर वो गोलियात को भी मार पाया Amen. Amen. So you, you know, in, in our, in our journey, sometimes we are asked to do ordinary things. और कभी कभी हमारी इस यात्रा में हमसे कुछ बहुत ही साधारण सामान्य काम करने के लिए कहा जाता है इन ऑर्डिनरी थिंग दैट यू यू आर डूइंग गॉड इज प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेटनेस और जो साधारण सामान्य कामों में के बीच करते समय परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है उसके उद्देश्य के लिए सो डोंट द डे ऑफ स्मॉल थिंग और आपके जीवन में जो छोटी छोटी बातें होती है उसे तुच्छ न जानो डोंट डिस्पाइज द ऑर्डिनरी और जो आप सामान्य काम कर रहे थे उन दिनों को आप तुच्छ ना मानो प्रिपरेशन so तो एक तैयारी का समय होता God है और परमेश्वर हमें तैयारी की एक प्रक्रिया में से 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 ले चलता है। this, the the call, the the और सामान्य रूप रूप हम ये कहते हैं कि जितनी बड़ी बुलाहट है उतनी बड़ी और ज्यादा तैयारी भी की जाती है और हम यही देखते जीवन में या पॉलुस हो और उन्हें तैयार किया जाता है उनके बड़े भविष्य के कार्य के लिए एन इन दट प्रेशन गॉड इंग यूलर स्किल्स दी द All that you need to step in and fulfill the purpose of God. परमेश्वर आपके भीतर जो है वो जो कौशल्य है और जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी आपके पूरा करने के लिए Amen? अमेन सब भी तो तैयार रहे तैयारी की जो प्रक्रिया में से गुजरने के लिए कि एक कीमत चुकाना पड़ता है इन अदर वर्ड्स गॉड वांट्स अस टू वांट्स टू नो हाउ मच डू वी वांट हिज परपस और दूसरे शब्दों में कहिए तो परमेश्वर चाहता है कि हम जानें कि सच में हम कितना हम उसके उद्देश्य को चाहते हैं जीसस पुट इट लाइक दिस यीशु ने इस तरह से कहा ही सेड द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक दिस यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राजा राज्य ऐसा है देयर अ मैन ही saw a field कि एक पुरुष ने एक खेती को देखा इन इफ नोटिस दैट देर वॉज ए ट्रेस इन द फील और उसने उस खेत में एक खजाने को देखा सुबॉ so

कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसके लिए आप कौन सी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? होट इज मेक और कौन सी चीजों को आप नीचे रखना चाहेंगे? कौन सा कीमत आप देना चाहोगे उस इस चीज को पकड़ने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक दिस परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है Amen. Amen. Amen.